बड़कस चौक स्थित संघ मुख्यालय में महाराष्ट्र संगठन सचिव भूषण डाकुलकर एवं नगर अध्यक्ष अजिंक कलांबे के नेतृत्व में जवाब दो मोर्चा का आयोजन किया गया। इस समय 6 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस प्रशासन के माध्यम से संघ भवन ले जाया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संगठन मंत्री भूषण डाकुलकर, प्रदेश सचिव डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, शहर अध्यक्ष अजिंक कलांबे, महिला अध्यक्ष सुषमा कामले, शहर संघ मंत्री रोशन डोंगरे और प्रदीप पौनीकर उपस्थित थे। इस प्रतिनिधि मंडल से आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर पर अजय जलताड़े ने चर्चा की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे गए हैं। आरएसएस बीजेपी का मातृ संगठन है। भारतीय संस्कृति के अनुसार माता पिता अपने बच्चों को सिद्धांतों पर चलना भी सिखाते हैं। क्या बीजेपी के लिए भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना सही है? मालवीय द्वारा उत्तर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने अनुरोध किया, क्या भागवत ईमानदार नेताओं को बेनकाब करने और भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करने की मोदी की साजिश से सहमत है क्या? यह उत्तर मांगने के लिए अपने आरएसएस मुख्यालय तक मार्च करें। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाले पंत प्रधान मोदी भाजपा में प्रवेश कर गए और महज 5 दिनों में उपमंत्री बन गए। इस बात का जवाब मांगने के लिए बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने चिट्टिस बाग से आरएसएस मुख्यालय बड़कस चौक तक मार्च किया। जय हिंद, मैं सुषमा कामले, आम आदमी पार्टी की नागपुर महिला अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी मराठी हिंदी नियम रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरएसएस ने बनाए थे देश चलाने के लिए या अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के लिए, क्या वो बीजेपी सब वो सारे रूल्स और नियम लागू फॉलो कर रही है क्या? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने जो ऐड किया था। आज ईडी और सीबीआई का नाम लगा लगा के जो तोड़ रहे संगठन तोड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है कि उनके सनातन धर्म का ले लीजिए, आरएसएस संगठन को जो उनके नियम में बैठता ही नहीं है, वो सारी चीज़ें सारे रूल तोड़ रहे हैं। तो क्या मोहन भागवतर जी इसको फेस करना चाहेंगे क्या? क्यों नहीं उसके लिए पर जवाब देते हैं? हम यही बार ये वाला आंदोलन कर रहे हैं कि आंदोलन करते हम लोग भगवान मोहन भागवत जी को इसके लिए हम लोग जवाब मांगना चाहेंगे। धन्यवाद। मधन पैदा झाली आहे, आरएसएस मधन ही एक संघटना बाहेर निघाली आहे। भारतीय जनता पार्टी स्वतःहून म्हणते की आरएसएस हा संघ परिवार असा आहे आणि ह्या संघ परिवारातला आमचा एक हा पक्ष आहे। म्हणून ह्या संघ परिवाराचं काम आहे की तात्विक दृष्ट्या त्यांच्या जे पाल्य आहेत त्यांच्या माध्यमातून जे निघालेले पक्ष आहेत त्या पक्षां किंवा त्या संस्था ह्या देशामध्ये कशा प्रकारे वागतात हा मोठा प्रश्न आहे। त्याचबरोबर जर भारतीय संस्कृती अनुसार जे पालक असतात ते आपल्या पाल्यांना तात्विक दृष्ट्या कसं जीवन जगायचं हे शिकवत असतात, हे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये सगळ्यांना हे माहीत आहे। त्याचबरोबर आम आदमी पार्टीचं असं म्हणणं आहे की माननीय श्री अरविंद केजरीवालांना हा प्रश्न विचारला की ईडी सीबीआयच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे ह्या ज्या पॉलिटिकल पार्टीजला पक्षांना तोडण्यात येतं आणि भारतीय जनता पार्टीची सरकार बनवण्यात येतं हे तात्विक दृष्ट्या बरोबर आहे की नाही आहे? दुसरा प्रश्न असा आहे की मोदीजी भ्रष्ट नेत्यांबद्दल भरपूरदा वक्तव्य करतात आणि कळतं आपल्याला काही दिवसात की तेच भ्रष्ट नेते 70,000 करोडचे सारखे घोटाळ्याचे आरोप ज्यांच्यावरती आहे तेच भारतीय जनता पार्टीसोबत मिळून पक्ष बनवतात। त्याच्यानंतर आरएसएस ची जबाबदारी आहे का की भारतीय जनता पार्टी ही तात्विक दृष्ट्या व्यवस्थित वागावी? जेपी नड्डा यांनी काही दिवसाआधी प्रश्न विचारला होता की प्रश्न देशासमोर मांडला होता की बा आरएसएस भारतीय जनता पार्टीला आरएसएसची गरज नाही आहे, तर हे बरोबर आहे का? हे आम्हाला आमचा हा प्रश्न आहे, आमच्या माननीय आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा प्रश्न आहे की आरएसएस या गोष्टीबद्दल काय विचार करतं? आणि त्याचबरोबर मोदीजींची पुढच्या वर्षी 75 वर्ष पूर्ण होणार, तर प्रश्न असा आहे की जसं यांनी नियम लागू केला आहे की बा 75 वर्षापेक्षा जास्ती वय जर झालं तर तुम्हाला यापुढे राजकारणामधनं संन्यास घ्यावा असं आरएसएस किंवा भारतीय जनता पार्टी सोबत काही त्यांच्या संलग्न संस्थांचं म्हणणं आहे। तर आमचा प्रश्न आहे की का मोदीजी 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर भारताचे प्रधानमंत्री राहतील, त्यांचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी संपेल की आरएसएस प्रमुख त्यांना पदावरनं उतरायसाठी बाध्य करतील?
कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।